दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब कभी आपको लगता है कि आपकी लाइफ एकदम सही चल रही है, पर दूसरे ही दिन जब आप सोकर उठते हो, आपकी सारी मोटिवेशन डाउन हो जाती है और ऐसा फील होने लगता है कि जैसे आप एक ही जगह स्टक होकर रह गए हो। लाइफ ऐसे लगती है जैसे एक ही जगह रुक सी गई है। अपना डेली छोटा मोटा काम करना भी बहुत भारी लगने लगता है। आप अपने सभी प्रोडक्टिव काम को प्रोक्रेस्टिनेट करके टालने लगते हो और इस बात से तंग आकर आपको खुद के लिए ही बुरा फील होने लगता है कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, आखिर मेरा आगे क्या होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो बस कमेंट्स में यस लिख दो, हम समझ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो आपके साथ हुआ यह है कि आप एक मेंटल रट में फंस चुके हो। ये एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहां आप अपनी लाइफ में स्टक और पर्पसलेस फील करते हो और चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते। और इस मेंटल रट से बाहर निकलने के लिए ऑथर गैरी जॉन बिशप की बुक अनफक योरसेल्फ सबसे बेस्ट तरीका और सोर्स है, जिसमें से कुछ बेस्ट लेसंस और लर्निंग्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए जानते हैं। नंबर वन, इन द बिगिनिंग। एक स्टडी में ये पता चला कि हमारे दिमाग में एक दिन में 50,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं और हमारे थॉट्स का हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत गहरा असर होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा के प्रोफेसर विलियम पीटर हार्ट ने इस पर 4 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे जहां उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को बुलाकर हर दिन अपने नेगेटिव और पॉजिटिव इवेंट्स को याद करने को कहा। इससे उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों ने अपने पॉजिटिव इवेंट्स के बारे में सोचा था, वो लोग ज्यादा खुश रहने लगे। वहीं जो लोग रोज आके बस अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को याद कर रहे थे, वो टाइम के साथ और भी ज्यादा दुखी और अनप्रोडक्टिव रहने लगे थे। अब यहां समझने की बात यह है कि अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके थॉट्स पर डिपेंडेंट है, तो आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। गैरी जॉन कहते हैं, हम अपने आप से बात करते हुए इन दोनों में से एक तरह का सेंटेंस का यूज करते हैं। पहला है असर्टिव और दूसरा है नैरेटिव। जब आप असर्टिव सेल्फ टॉक करते हैं तो आप ऐसे सेंटेंस का यूज करते हैं जैसे I am, I embrace, I accept, I assert। बेसिकली जहां आप बात करते हुए अपनी आइडेंटिटी को यूज मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिट हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं गलत काम नहीं करता, एक्सेट्रा। वहीं नैरेटिव में आप आई शुड, आई विल, आई ट्राई, यानी मैं करूंगा, मुझे करना चाहिए, मैं ट्राई करूंगा, ऐसे सेंटेंस का यूज करते हैं जो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता और तभी आपका माइंड भी आपको सीरियसली नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्मोकिंग क्विट करना चाहता है तो अगर वो ये सोचने के बजाय कि आई विल क्विट स्मोकिंग, यानी मैं स्मोकिंग करना छोड़ दूंगा या स्मोकिंग करना बंद कर दूंगा, एक्सेट्रा, इसके बजाय अगर वो ये कहे कि आई एम नॉट ए स्मोकर, यानी मैं स्मोकर नहीं हूँ, तो इसके चांसेस ज्यादा है कि उसके इस बात पर उसका दिमाग बिलीव भी कर पाएगा और वो अपने इस बात पे एक्शन ले भी पाएगा। योर बिलीव्स शेप योर लाइफ। दोस्तों, मान लो कोई अथिस्ट है, यानी कोई नास्तिक जो ये मानता है कि गॉड जैसा कुछ नहीं होता, तो उसकी लाइफ में जो कुछ भी होगा उसके सभी एक्शंस इसी बिलीफ के बेसिस पर लिए जाएंगे। वही अगर कोई रिलीजियस पर्सन है और वो अपने गॉड में बिलीव करता है, तो वो अपनी लाइफ को इसी फिल्टर से देखेगा, उसके एक्शंस भी इस बिलीफ से इन्फ्लुएंस होंगे। अब यहाँ ये जरूरी नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि हमारे लिए बस इतना समझना जरूरी है कि हमारे ऐसे ही बिलीव्स हमारी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपके ब्रेन में आते जाते थॉट्स एक नदी की तरह हैं, तो आपके बिलीव्स इस नदी के नीचे पड़े बड़े बड़े पत्थर की तरह है जो आसानी से हिल नहीं सकते, और यही नदी के पानी को, यानी आपके थॉट्स की डायरेक्शंस को चेंज करते रहते हैं। अगर हमारे कुछ लिमिटिंग बिलीव्स है और अगर हमारे वो बिलीव्स वक्त के साथ और ज्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं, तो हमारे यही बिलीव्स हमारी लाइफ को बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। जैसा कि टोनी रॉबिन्स भी कहते हैं, अगर हमारे पास हेल्दी और पॉजिटिव बिलीव्स हैं और हम दिल से ये मानते हैं कि हम सारी सक्सेस और हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं, तो ये बिलीव हमें एक्शन लेने के लिए एनकरेज करेगा जो आखिर में वैसा ही रिजल्ट भी देगा। तो आप क्या देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो और खुद से क्या कह रहे हो, इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका एक बिलीफ आपकी पूरी लाइफ बना भी सकता है और बिगाड़ भी। यू शुड बी रिलेंटलेस। ऑथर कहते हैं, इमेजिन करिए आपने एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड करा या आपकी एक अच्छी हाई पेइंग जॉब लगी है जिसका काम आपको पसंद है, अपने लव्ड वन से शादी करी, मैराथन रेस को भी जीता और आपके जो भी गोल्स थे आपने उन सभी को अचीव करा, तो जरा सोचिए कि आपने ये सब कैसे अचीव करा होगा। अपने बेड पे लेट कर फोन चलाते हुए या बाहर का जंक फूड खाते हुए? नहीं ना, अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए आपको अनकंफर्टेबल जोन में जाना होगा और इसीलिए आपको रिलेंटलेस होना होगा, यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने गोल्स की तरफ बिना रुके चलते रहना होगा। क्योंकि आजकल की कड़वी सच्चाई ये है कि लोग अपने फोन, अपने बैड इंटरनेट, बुरी आदतों, डोपामिन के इंस्टेंट हिट और डिस्ट्रैक्शन से कुछ इस प्रकार से जकड़े हुए हैं कि वो उनसे बंधे रहते हैं और फिर ये सोचते हैं कि मैं लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। अपने गोल तक पहुंचना, अपने आप को और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना, उसके लिए काम करना आपके लिए आपकी लाइफ का पर्पस होना चाहिए और बाकी सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस। एम्ब्रेस द अनसर्टेनिटी।
आपको क्या लगता है कि क्या ये एक गुड आइडिया है कि आप अपनी 9-to-5 जॉब में रहते हुए अपने स्टार्टअप पर भी काम करें, अपना खाना भी बनाएं, सफाई भी करें, ट्रैवल भी करें, शॉपिंग भी करें, अपनी हेल्थ पर भी काम करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये सोचने या सुनने में तो शायद पॉसिबल और सही भी लग रहा हो कि ये सब काम आप खुद अकेले कर सकते हैं, लेकिन इसका एक क्लियर और सिंपल आंसर है जो कि है नो, यानी नहीं। आपके लिए खुद सारा काम करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट समहाउ हमारा माइंड इस ईगो को साइड में नहीं रख पाता है। हमें लगता है कि अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए हमें सब कुछ खुद ही करना होगा। आपकी लाइफ के कुछ एरियाज हैं जहां आप एक्सेप्शनल हैं, आप सबसे बेस्ट हैं, वहीं कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। यहाँ गैरी कहते हैं कि एक परफेक्ट लाइफ को इमेजिन करना बंद कर दो। ये मत सोचो कि आपकी लाइफ कम्प्लीटली प्रॉब्लम फ्री हो जाएगी अगर आप सब कुछ एक साथ करने लगोगे। अगर आप ऐसा सोचकर जीते आ रहे हो तो आप एक ऐसे गोल को चेस कर रहे हो जो कि इम्पॉसिबल है, और ये आपको दुख के सिवा कुछ नहीं देगा। इसीलिए आपकी लाइफ में जो अच्छा है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, और जो अच्छा नहीं है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अनसर्टेनिटी है, उसके लिए रेडी रहो। सब कुछ एक साथ आप एकदम से सही नहीं कर सकते। आप जो अभी कर सकते हो उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना होगा, और जो आप अभी नहीं कर सकते उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर व्हाट यू डू। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स पर एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी जिसमें उनसे कहा गया कि वो 10 साल बाद अपनी कैसी लाइफ इमेजिन करते हैं, वो अपने आप को किस पोजीशन में देखते हैं, नेक्स्ट 10 साल में वो क्या क्या अचीव कर चुके होंगे, इन सब के बारे में उन्हें 20 मिनट डेली लिखना है। और सरप्राइजिंगली सिर्फ 3 दिन तक ये काम डेली करने से उन लोगों के मूड में कई पॉजिटिव चेंजेस देखे गए और वो काफी प्रोडक्टिव हो गए। ऑथर गैरी जॉन कहते हैं, फ्यूचर को लेकर हमारे विजन में एक पुल पावर होनी चाहिए। जब भी हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचे तो हम एक्साइटेड फील करें। हमें ये फील होना चाहिए कि फ्यूचर हमारे लिए कितना बेटर होने वाला है, हम कितनी बेटर लाइफ डिजर्व करते हैं जो हमें अल्टीमेटली उस फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आप अपने किसी गोल को लेके एक्साइटेड फील ही नहीं करते तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो गोल आपका गोल है ही नहीं। आप उस गोल के लिए नहीं बने हो, आप शायद उससे अलग या बेहतर गोल के लिए बने हो। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको एक्साइटेड करना चाहिए, ना कि डिप्रेस्ड। और अगर आप अपने उस गोल या फ्यूचर सेल्फ के लिए एक्साइटेड फील करते हो तो बस उसके पीछे हमेशा लगे रहो, जल्द आप वैसी लाइफ जी रहे होंगे जैसी आप जीना चाहते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? दोस्तों शायद आपको ये सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन सिर्फ इमेजिन करिए कि आप अपने डेथ बेड पे हैं, आपका टाइम खत्म होने को है, जल्द ही आप इस दुनिया से जाने वाले हो। पर साथ ही आपको ये रियलाइज होता है कि आप अपने गोल्स को भी अपने साथ नहीं लेके जा रहे हो। ना आपने इतना नाम कमाया, ना आपने पैसा कमाया, ना आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, ना ही इस दुनिया को बेहतर बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन करा, और जो सपने आपने बचपन में देखे थे वो सपने सपने ही रह गए। फिर आप बस ये सोचते हो कि काश आपने अपने इस टाइम को सही से इस्तेमाल कर लिया होता, क्योंकि आपको सब कुछ पता था, अपनी हेल्थ को सही कैसे रखना है, रिलेशनशिप्स को अच्छा कैसे करना है। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जो जो चीजें करनी होती हैं वो आपको पहले से पता थी, आपने कई किताबें पढ़ी थी, इतनी नॉलेज गेन करी थी, पर इस नॉलेज को आपने सिर्फ अपने दिमाग में ही रखा है। ये पता होते हुए भी आपने उसे यूज करके एक्शंस नहीं लिए। एक सही वक्त के इंतजार में आपने पूरी जिंदगी गवा दी और अब वक्त ही नहीं बचा, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैसा फील होगा? इसीलिए एक्शन लेने का कोई सही टाइम है तो वो अभी है। अपने दिमाग से बाहर आओ, नेगेटिव थॉट्स को निकाल फेंको और पॉजिटिव थॉट्स का यूज करके एक्शंस लेना आज ही से शुरू कर दो। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हे दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरा एक बहुत पुराना दोस्त मेरे पास आता है और बोलता है कि भाई प्लीज मुझे बताना यार कि मैं जिंदगी में करूँ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत कुछ करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे से कुछ हो रहा नहीं है। मैं देखता हूँ दुनिया वालों को, दुनिया वाले इतना आगे बढ़ रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है, तू भी देख अपनी जिंदगी में कितना अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं वहीं का वहीं अटका पड़ा हूँ। मैं अपनी जिंदगी में अभी तक कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाया हूँ। मुझे ये सब चीज सोच के काफी बुरा फील होता है। आजकल तो मेरा कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है, कहीं जाने का दिल नहीं करता है, कुछ करने का दिल नहीं करता है। ऐसा लगता है कि मैं मेंटली बहुत ज्यादा लो फील करता हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कई बार मैं बहुत मेहनत से काम भी करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, जो मुझे और ज्यादा बुरा फील कराता है। ऐसा बोलते बोलते फिर वो बोलता है कि यार सच बोले तो यार मैं इतना काम भी नहीं करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट भी करता हूँ, कभी कभी काम करता हूँ लेकिन मैक्सिमम टाइम मेरा काम करने का दिल ही नहीं करता है। जब तक काम एकदम सर तक नहीं आ जाता है तब तक मैं वो काम खत्म नहीं कर पाता हूँ। और मैं बहुत टाइम से अपने अंदर ये पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे काम करने मन तो करता है कई बार लेकिन काम होता नहीं है मुझसे। अभी इनफैक्ट मैंने कुछ दिन पहले ही सोचा था कि यार मैंने अपनी पूरी जिंदगी को बदल के रख दूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, जिम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बुक्स भी पढ़ूंगा तेरी तरह, बट स्टिल वो सब चीज मेरे से हो नहीं पा रही है। जरा भी तू इतनी बुक पढ़ता है, काम करना भाई प्लीज, तू ही कुछ बता दे, कोई एक बुक के रेफरेंस से मेरे को कुछ चीजें सिखा दे ताकि मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं, कुछ अच्छा कर सकूं, ये जो गंदी फीलिंग्स है उनको अपनी जिंदगी से खत्म कर सकूं। नो जैसे ही वो ये सारी चीजों को बता रहा था ना, तभी मेरे दिमाग में एक बुक का नाम आया जिसका नाम था अनफक योरसेल्फ बाय गैरी जॉन बिशप।
कि कैसे आजकल ना बहुत लोगों के साथ ये चीज हो रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, खराब फील करना, घबराहट होना, कुछ भी चीज अच्छा नहीं लगना, लो फील करना, और वो मोटिवेशन ही अपनी जिंदगी में ना ला पाना जो एक्चुअल में सक्सेस के लिए जरूरी होती है। एक ऐसे मेंटल स्टेट में पहुंच जाना जहां आप एकदम स्टक और होपलेस फील करते हो, और कितनी भी कोशिश कर लो आपके अंदर वो मोटिवेशन आ ही नहीं पाती है। एक तो इसी बुक के रेफरेंस से एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया जिसका नाम है स्टार्व योर डोंकी। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तू बता आजकल जिंदगी में कर क्या रहा है, मतलब अपने जो 24 घंटे हैं उसके अंदर तू करता क्या क्या है। जिसपे वो बोलते हैं कि यार देख सच बोलूं ना एकदम, तो जो छोटे मोटे काम रहते हैं वो करता हूँ, और ज्यादातर टाइम तो मेरा मोबाइल में चले जाता है, शॉर्ट वीडियोस देखने में, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखने में, खाना पीना करने में, थोड़ा टाइम पास करने में। अब ये जो चीज वो बोल रहा था ना, मुझे पता है ये कई सारे लोगों के साथ होती है, इसलिए फिर मैंने उसे बताया कि देख हमारा जो माइंड और बॉडी होती है ना उसके बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक गधे पे बैठे एक आदमी की तरह होता है, जहाँ आपका माइंड ना वो आदमी है और आपकी बॉडी एक डोंकी है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप उस डोंकी पर राइड कर रहे हो और आप उसे मूव करना चाहते हो, तो आपको बस उसके आगे एक कैरेट या कोई भी ऐसी चीज रखनी होगी जिसे खाने के लिए वो डोंकी आगे बढ़े। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी वो काम करे, तो आपको उसको ना एक रिवॉर्ड देना चाहिए अपने काम करने के बाद, या एटलीस्ट आपको उस रिवॉर्ड के बारे में सोचने आना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में वो मोटिवेशन आए उस काम को करने का। अब देखो ये बात सुनने में तो इजी है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है पता है? डोपामिन जो यूजुअली होता है ना वो हमें रिवॉर्ड मिलने पे मिलता है या फिर एंटीसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड में मिलता है, और ये डोपामिन है ना ऑटोमेटिकली हमें मिलता रहता है अगर हम अपने काम को खत्म करते हैं। छोटी मोटी चीजों में भी ये रिलीज होता है, जैसे कि पानी पीना अगर प्यास लगी हो तो, खाना खाना, अपना कोई काम, अपना कोई गोल कंप्लीट करना, और ये चीज हमेशा ह्यूमन के साथ होती आई है। बट अब रिसेंटली हमारे साथ ये हो रहा है ना कि हम लोग आजकल बहुत ज्यादा ओवर स्टिम्युलेटेड हो गए हैं, मतलब हम लोग इतना ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, इतना ज्यादा ये सारे एडिक्टिव एप्स यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, जिसमें है ना हमारा बहुत सारा डोपामिन रिलीज होता जाता है। और क्योंकि इतना ज्यादा लेवल पे डोपामिन रिलीज होता है ये सारी चीजों को करने में, इसलिए फिर नॉर्मल चीजों से हमारी जो एक्साइटमेंट का लेवल है, सोशल मीडिया, पॉर्न देखना, ड्रग्स, जंक फूड, गेम्स, टीवी शोज, ये सब हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा लेवल में डोपामिन रिलीज कर देते हैं। और ये चीज बिल्कुल सिमिलर है ऐसे जैसे अगर आप अपने डोंकी को जो गधा है उसको हद से ज्यादा खाना खिला दो, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा, तो उससे क्या होगा, वो गधा एकदम आलसी बन जाएगा, और फिर उसके सामने अगर आप कैरेट रखोगे उसको खाने के लिए आगे बढ़ना तो दूर की बात है, वो उसको देखेगा भी नहीं। सिमिलरली जब हम अपने ब्रेन को इतने हाई डोपामिन लेवल की चीजें देते रहते हैं ना, वो भी डेली इतने लेवल पे, इसलिए जो छोटे मोटे टास्क होता है जैसे नॉर्मली अगेन डोपामिन रिलीज होता था, लेकिन अब तो इतना कम रिलीज होता है कि हमें समझ में ही नहीं आता है। तो अब इससे लड़े कैसे, लड़ने का सिंपल तरीका है स्टार्व योर डोंकी। ये जितनी भी हाई स्टिमुलेशन वाली चीजें है ना उसे अपनी जिंदगी से जितना हो सकता है उतना दूर करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज से ही आप बाल ब्रह्मचारी बन जाओ और सब चीज छोड़ छाड़ के निकल जाओ, नहीं वैसी चीज नहीं है, बट एटलीस्ट आप एक दो दिन के लिए ही सही, बट ट्राई करो कि ये जो डोपामिन वाली चीजें है ना, हाई डोपामिन वाली चीजें, उसको आप जरा भी ना देखो, अपने ब्रेन को आप स्टार्व करवाओ उस डोपामिन के लिए, जिसके बाद फिर आप जब छोटे छोटे टास्क भी करोगे ना तो उसमें भी फिर डोपामिन रिलीज होगा और आपको अच्छा लगेगा, और फिर आप वो काम करने के लिए और ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। यहाँ पे आजकल हो रहा यही है, इतना चीप, एकदम आसानी से हमें इतना ज्यादा डोपामिन मिल जा रहा है ना, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो काइंड ऑफ हम लोग एडिक्टेड ही है, और कोई भी एडिक्शन जैसे हमारे लिए अच्छा नहीं होता। सिमिलरली ये जो एडिक्शन भी है वो हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी और बहुत सारी अलग अलग चीजें फील करवाने में आप बोल सकते हो ट्रिगर कर रहा है, जबकि अगर आप सच में अपने ब्रेन को स्टार्व करने लग जाओगे ना तो यकीन मानो कुछ दिन के लिए अगर आप स्टार्व हो जाओ, ऐसे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको ना 5 दिनों के लिए ना जेल में बंद कर दिया जाए और आपको कुछ भी करने के लिए ना मिले, और फिर उसके बाद अगर आपको मैं एक बुक दे दूँ ना तो आप खुशी खुशी उस बुक को पूरा पढ़ोगे और उसमें भी आपको बहुत सारा डोपामिन रिलीज होगा। सेम चीज अप्लाई करती है जिम जाने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए, इसलिए तो ये पहली चीज जरूर आप ध्यान रखो, जैसा मैंने दोस्त को भी बोला कि आप इन्हें ओवर स्टिमुलेशन वाली जो चीजें है ना उनको जितना हो सकता है उतना अवॉइड करना स्टार्ट करो। इसके बाद मैंने उसको बुक के दूसरा कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जिसे बोलते हैं इन द बिगनिंग। देखो दोस्तों अगर आप नोटिस करोगे ना तो आप सुबह से लेकर रात तक सिर्फ 2 लोगों से बात करते हो। कौन है वो 2 लोग? वेल पहले तो ये पूरी दुनिया वाले लोग हैं, आपके दोस्त, आपकी फैमिली मेंबर्स, बाकी सारे लोग, वो है पहले लोग। दूसरा जो जन है वो है आप खुद, आप खुद अपने आप से बात करते हो। अब आपको शायद थोड़ा वियर्ड फील होगा ये चीज सुन के, और आप बोलोगे नहीं यार मैं तो अपने आपसे कभी बात ही नहीं करता हूँ, बट सच तो ये ना कि हाँ आप अपने आप से बात करते हो और आपका दिमाग ही अपने आप से बात करता है। एक स्टडी से ये पता चला है कि हमारे दिमाग में ना एक दिन में 50,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं, और ये जो थॉट्स है ना वही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत गहरा असर देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा के प्रोफेसर विलियम पीटर हार्ट्स ने इस पर 4 एक्सपेरिमेंट्स करे, जहां उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को बुलाकर हर दिन अपने नेगेटिव और पॉजिटिव इवेंट्स को याद करने के लिए बोला गया। इसे उन्होंने ये देखा जिन्होंने अपने पॉजिटिव इवेंट्स के बारे में ज्यादा सोचा वो लोग ज्यादा खुश रहने लग गए, वहीं जो लोग बस आके अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को याद करते थे ना वो टाइम के साथ साथ और भी बहुत ज्यादा दुखी और अनप्रोडक्टिव रहने लग गए। इनफैक्ट साइंस में आपने शायद से न्यूरोप्लास्टिसिटी का भी कॉन्सेप्ट सुना होगा, जिसके अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स हमारे ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर को भी काफी हद तक चेंज कर देते हैं। अब देखो यहाँ समझने की बात यही है कि अगर आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके थॉट्स पे डिपेंडेंट है तो आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करो,
और अगर आप ये कर लिए तो ये चीज से आप अपनी लाइफ भी चेंज कर सकते हो। देखो ऑथर कहते हैं जब हम अपने आप से बात करते हैं ना तो हम दो तरीके के सेंटेंसेस यूज करते हैं, पहला होता है असर्टिव और दूसरा होता है नरेटिव। फॉर एग्जाम्पल जब आप असर्टिव सेल्फ टॉक करते हो अपने आप से तब आप ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हो जैसे कि आई एम रूड, आई एम ग्रेट, आई एम वेरी लोनली, आई एम स्टूपिड, आई एम्ब्रेस, आई एक्सेप्ट, आई फेल्ट। बेसिकली जहां आप बात करते हुए अपनी आइडेंटिटी को यूज करते हो कि आप वैसे हो, वहीं जो नरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना उसमें आप कुछ ऐसे बात करते हो कि आई शुड, आई विल ट्राई ना। ये जो नरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं और आपके माइंड पे ज्यादा सीरियस असर भी नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझो स्मोकिंग क्विट करनी है तो अगर आप ये बोलोगे अपने आपको कि आई विल क्विट स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग करना छोड़ने वाला हूँ, तो इससे ज्यादा पावरफुल ये चीज होगी अगर आप बोलोगे कि आई एम नॉट अ स्मोकर, मैं एक स्मोकर नहीं हूँ। यहाँ पे आप आइडेंटिटी वाला स्टेटमेंट यूज कर रहे हो जिससे ज्यादा चांस हो जाएंगे कि एक्चुअली आप उस चीज पे बिलीव करोगे और उसके ऊपर एक्शन ले पाओगे। अब जैसे ये बिलीव की बात आई ना वैसे एक और नया पॉइंट मेरे दिमाग में आया जो इसी बुक का है, जो बताता है बिलीव और हैबिट्स का रिलेशनशिप। अब मैंने जब अपने दोस्त को बताया ना कि देख तेरे जो बिलीव्स है ना वो तेरे हैबिट्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, जब मैंने ये चीज उसको बोली तो उसको बहुत कंफ्यूज होने लग गया कि यार ये कैसे होता है बिलीव हैबिट, क्या क्या होता है, क्या मतलब समझा नहीं मेरे को। तो मैंने उसको बताया देख हमारे जो लाइफ के बिलीव्स होते हैं ना वही हमारे लाइफ के गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारी लाइफ का एक्चुअल में डायरेक्शन देते हैं और अपने बिलीव्स के हिसाब से फिर हम सारे एक्शंस भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक एथिस्ट है ना जो गॉड को जरा भी नहीं मानता है तो वो जब भी अपनी लाइफ में कोई भी एक्शन लेगा या कोई भी चीज होते हुए देखेगा ना तो वो एथिस्ट के पर्सपेक्टिव से ही देखेगा, उसको लगेगा ये सारी चीजें साइंस से हो रही है और गॉड ये सारी चीजें नहीं होती है, जिसकी वजह से फिर वो एक्शंस भी ऐसे ही लेगा जो उसके इस बिलीव को और स्ट्रांग करेगी। वहीं अगर कोई रिलीजियस इंसान है जो गॉड में बिलीव करता है तो वो लाइफ को अपने ऐसे फिल्टर करके देखेगा जिससे उसके एक्शन भी इस बिलीव को इन्फ्लुएंस करेंगे, कुछ भी चीजें होंगी तो उसे गॉड के पर्सपेक्टिव से देखेगा जो उसे फिर और ज्यादा बिलीवर बनाएगा और जो फिर उसे इस चीज से रिलेटेड एक्शंस लेने में भी हेल्प करेगा। और इससे रिलेटेड एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल भी है जो बुक में बताया गया है कि देखो अगर है ना आपके जो ब्रेन के थॉट्स है जो आपके ब्रेन में आते जाते रहते हैं वो अगर नदी की तरह है तो आपके जो बिलीव्स है ना उस नदी के बीच में रखे हुए बड़े बड़े पत्थर है जो आसानी से तो मूव नहीं होते हैं, लेकिन हाँ नदी के पानी की वजह से कई बार वो अपना डायरेक्शन जरूर चेंज कर लेते हैं और रेगुलरली वो पानी फ्लो होने की वजह से क्या होता है वो अपना शेप भी चेंज कर लेते हैं। इसलिए अगर आपके पास थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उससे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप हमेशा नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में लाते जा रहे हो और उसको ही नर्चर कर रहे हो, बार बार उसके बारे में ही सोच रहे हो ना, तो ये आपके बिलीव को भी स्ट्रांग कर देगा और फिर ये आपके एक्शंस को आपके हैबिट्स को भी उस बिलीव के हिसाब से बना देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मानने लग जाते हो कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, आपसे कभी भी कुछ बड़ा हो नहीं पाएगा, आप कितना भी ट्राई कर लो आपको कभी रिजल्ट्स मिलेगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा फिर एट द एंड आपके जो एक्शंस भी होंगे ना वो इतने ज्यादा दमदार नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये रहेगा, आपका दिमाग ही आपको रोकेगा कि नहीं यार इतना एनर्जी वेस्ट करके मतलब नहीं है क्योंकि मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे ही नहीं। वहीं इसके अपोजिट टोनी रॉबिन्स भी बोलते हैं कि इफ वी हैव हेल्दी पॉजिटिव बिलीव्स, बिलीव्स दैट वी डीपली बिलीव इन, बिलीव्स दैट वी आर केपेबल इनफ एंड डिजर्विंग इनफ फॉर सक्सेस, देन ओनली वी आर एबल टू टैप इनटू दैट पोटेंशियल एंड दैट ड्राइव्स ग्रेटर एक्शन व्हिच इन रिटर्न्स गिव्स ग्रेटर रिजल्ट्स। जब आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बिलीव्स लाना स्टार्ट करते हो ना तो वो चीज आपके एक्शंस में दिखने लगती है और फिर वो एक्चुअल में रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल जो भी इंसान डेली वर्कआउट करने जाता है वो क्यों जाता है, क्यों? क्योंकि उसका जो बिलीव है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि वो वर्कआउट करेगा तो उसकी हेल्थ अच्छी बनेगी, उसका वेट लॉस होगा। जबकि जो इंसान डेली नहीं जा पाता है वो क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं बिलीव ही स्ट्रांग नहीं होता है, उसको लगता है कि यार मैं डेली जिम जा ही नहीं सकता हूं, प्लस मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, ये चीज बहुत डिफिकल्ट है। एट द एंड सब चीज आप बोलना दिमाग का ही खेल है जिसकी वजह से हर चीज डिफिकल्ट हो जाती है। तो मेरा दोस्त बोलता है हाँ ये बात ठीक है, चल समझ में तो आ गया, लेकिन इससे रिलेटेड अब एक्शन क्या ले सकता हूँ, मतलब मैं क्या एग्जैक्टली करूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में तो हाँ बहुत सारी चीजें बैठी हुई है कि मैं सारी चीज अचीव नहीं कर सकता हूँ, तो फिर उसके लिए एक्शन क्या लेना चाहिए। तो तब मेरे दिमाग में ना उसी बुक का एक कॉन्सेप्ट आया जिसे बोलते हैं 20 सेकंड रूल, जो आपके बिलीव को स्ट्रांग करने में आपकी हेल्प करेगा और आपको ना इजीली एक्शन लेने में हेल्प करेगा। तो इसके बाद मेरा दोस्त बोलता है कि ठीक है यार बिलीव वाली बात समझ में आई, तो हैबिट वाली बात भी समझ में आई, बट अब मैं करूँ क्या, मतलब मेरी बिलीव तो अब शायद अब सबकॉन्शियसली ऐसी बनी गई है जो बहुत ज्यादा ऐसे नेगेटिव बन गई कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो अब उससे निकलने के लिए मैं एक्शन क्या ले सकता हूं, मतलब कोई ऐसे तरीका बता जिससे मैं एक्चुअल में एक्शन ले सकूं, कुछ रियल में कर सकूं, ताकि मेरे अंदर मेरा जो बिलीव है मेरे जो हैबिट्स है वो चेंज हो सके। तो जब उसने ये चीज बोली ना तब मेरे दिमाग में बुक का कॉन्सेप्ट आया द हैप्पीनेस एडवांटेज करके, जो ऑथर शॉन एकर ने लिखी है, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं 20 सेकंड रूल। जो हैप्पीनेस एडवांटेज बुक के ऑथर है ना शॉन एकर, उनको गिटार बजाना सीखना था ना, ये सीखने के लिए उन्होंने डिसाइड करा था, उनको कहीं से तो पता चला था कि कोई भी हैबिट बनाना है तो उनको 21 दिन लगातार गिटार बजाना ही पड़ेगा तभी उनकी हैबिट बनेगी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना एक पेपर लिया 21 दिन के, उसमें चेकबॉक्सेस बनाए और उसे दीवार पे लगा दिया। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो 21 दिन लगातार गिटार बजाएंगे और फिर उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ वो करना स्टार्ट भी किया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार वो हर दिन गिटार बजाते थे और एक क्रॉस मार्क करते थे अपने उस दीवार के पेपर पे। लेकिन जैसे ही 5वां दिन आया
उनका मोटिवेशन खत्म हो गया था। वो जब थक हार के काम से घर पे आया ना, तो उनमें जरा भी हिम्मत नहीं थी सीखने की। तो उन्होंने क्या किया, रिमोट उठाया और टीवी देखना स्टार्ट कर दिया। उनका पूरा टाइम निकल गया और फिर जाके वो सो गए। ऐसे ही फिर दिन पे दिन निकल गए और वो गिटार नहीं सीख पाए। न कुछ दिन बाद जब उन्होंने वापस से वो दीवार पे टंगे हुए पेपर को देखा ना, तो उनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो सोचे कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट फील हुआ। वो सोचने लगे कि यार मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, मुझे पता भी है मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, लेकिन अब इसके बारे में करूँ क्या। जब उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, सोचा ना, तो उनको एक चीज रियलाइज हुई। उन्होंने रियलाइज किया कि वो जो गिटार उन्होंने सीखने के लिए लिया था ना, वो उसको क्या करते थे कि जब भी रोज आते थे ना ऑफिस से थके मरे, तो वो जाते थे अलमारी खोलते थे, वो जो पूरा गिटार अच्छे से पैक करके रखा हुआ था उसको खोलते थे, निकालते थे, प्रैक्टिस करते थे और फिर वापस से उसे पूरे अच्छे तरीके से पैक करते थे और फिर अलमारी में डाल के रख देते थे, सो जाते थे। ना ये जो चीज थी ना, वो उन्होंने नोटिस किया ये चीज कितनी हैक्टिक थी, बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो कॉम्प्लिकेटेड थी। तो फिर इसीलिए इससे लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने एक डिसाइड किया कि अब मैं ना अलमारी में उसको रखने के बजाय इतना अंदर, अब मैं ना एक गिटार स्टैंड लूंगा। उन्होंने गिटार स्टैंड लिया और उसे हॉल में रख दिया, ताकि जैसे ही वो ऑफिस से आए थके मरे, तो पहली चीज जो उनको दिखे घर में घुसते साथ, वो उनको उनका गिटार दिखे। ये पहली चीज उन्होंने करी। और दूसरी चीज उन्होंने ये करी कि उनको पता चल गया कि यार रिमोट उठा के टीवी देखना बहुत आसान था, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि रिमोट के बैटरीज निकाले और उसको दूर जाके कहीं रख दिया। इतना दूर रख दिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि उनको एटलीस्ट 20 सेकंड से ज्यादा लगे वो रिमोट को लेने में, उसमें बैटरी लगाने में और टीवी देखने में। और दूसरी तरफ उन्होंने ना इस गिटार को इतना आसान कर दिया कि उनको 20 सेकंड्स के अंदर ही, जैसे ही वो घर में आते हैं और जैसे ही उनका मन करता है गिटार बजाने का, 20 सेकंड के अंदर ही वो जाके गिटार को ले सके अपने हाथ में लेके और उसे बचाना स्टार्ट कर सके। नो ये चीज बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस चीज को अप्लाई किया ना, इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया, उनको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने मिले और उन्होंने गिटार बजाना सीख भी लिया। नो ये ट्रिक इतने ज्यादा अच्छे से काम क्यों करी, एकदम सिंपल सी बात है। देखो हमारे ब्रेन को, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक में भी बताया गया कि हमारे ब्रेन को ना अपनी एनर्जी बचाने का बहुत शौक है, बिकॉज वो हमेशा आप बोल सकते हो काइंड ऑफ सर्वाइवल मोड पर रहता है सबकॉन्शियस माइंड। तो वो हमेशा चाहता है कि हमारी ब्रेन और हमारी बॉडी की जो एनर्जी है ना, वो लेस से लेस स्पेंड हो। जबकि कोई भी काम ऐसा होता है ना जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा स्पेंड होती है, ज्यादा सोचना पड़ता है या फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है काम के बीच का, तो वो काम हमारा ब्रेन हमें अवॉइड करने बोलता है। जबकि जिसके अंदर लीस्ट रेजिस्टेंस होता है ना काम करने में, जैसे रिमोट उठा के टीवी देखना बहुत लीस्ट रेजिस्टेंस वाला काम है और फिर उस पर रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा है, उस पर डोपामिन भी बहुत सारा निकलता है, तो ये लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पार्ट ब्रेन को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ब्रेन उसकी तरफ जाता है। लेकिन जब हम इसका उल्टा कर देते हैं, जो काम लाइक हमें करना अच्छा नहीं, हमें पता है टीवी देखना जैसे, अगर हम उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ा देते हैं 20 सेकंड के ऊपर कर देते हैं, 20 सेकंड क्या 30 40 सेकंड कर दो, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस आप बढ़ा दोगे ना उस काम के लिए, उतना आपके चांसेस कम हो जाएंगे कि आप वो काम करोगे। और कंपैरेटिवली जो भी काम आप करना चाहते हो उसको आप जितना रेजिस्टेंस कम कर दोगे, उसके लिए जितना आसान हो पाएगा आपके लिए वो चीज स्टार्ट करना, उतना इजीली आप उस काम को कर पाओगे। ये सेम ट्रिक मैंने अपने दोस्त को भी बोला कि तू अप्लाई कर सकता है कोई भी चीज करने के लिए जो तू करना चाहता है। नौ ये चीज सुनकर मेरे दोस्त को काफी अच्छा लगा, जिसके बाद उसने मुझसे एक और चीज पूछी कि यार ये जो मैं हम लोग जंक फूड खाते हैं, बाकी सारी चीजें खाते पीते हैं, क्या उससे भी फर्क पड़ता है क्या। जब उसने ये बात बोली तब मेरे दिमाग में एक और लेसन आया, जो था अबाउट कीपिंग द बैलेंस। मैंने उसे बताया कि देख, ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो लोग को भी ना ऐसा अनमोटिवेटेड फील होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजों की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हमेशा ये लगता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ उनके माइंड में है। जबकि कई बार ऐसा होता है ना कि प्रॉब्लम आपकी बॉडी में भी होती है और कई बार आपकी माइंड में ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूसीएलए ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक साइकोलॉजिस्ट एरन ब्लेसडेल बोलती है कि उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट करी थी जिसमें उनका कहना था कि जंक फूड या हाई शुगर डाइट जो होती है ना, वो सिर्फ आपको फिजिकली ही नहीं बल्कि आपके ब्रेन को भी केमिकली चेंज कर देती है। हमें लगता है कि हमारा माइंड ना अपनी पूरी बॉडी को हमेशा कंट्रोल करता है, पर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारी बॉडी भी हमारे माइंड को बहुत इफेक्ट करती है। जब लोग अनहेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, सही अमाउंट में पानी नहीं पीते, एक्सरसाइज नहीं करते, और फिर जब वो लोग सारा ब्लेम माइंड पे डाल देते हैं, तो इससे माइंड और ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, बोल सकते हो। ये बिल्कुल ऐसा हो गया है कि यार गलती किसी और की और डांटा किसी और को है, जो चीज अच्छी नहीं होती है। क्योंकि जब भी आपकी बॉडी अच्छी कंडीशन में नहीं होगी ना, तब भी आप है ना देखना कई बार मोटिवेटेड फील नहीं करोगे। स्पार्क करके भी एक बुक है जो काफी अच्छी है, उसके अंदर भी बताया गया है कि हमारे एक्सरसाइज करना, अच्छी अपनी हेल्थ रखना हमारे माइंड के लिए कितना ज्यादा जरूरी होती है। प्रॉपर नींद देना, ये सारी चीजें आपको ना मोटिवेटेड रहने में हेल्प करती है। जबकि हम लोग ये सारी चीजों का उल्टा ही कर रहे हैं आजकल। हम लोग प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, प्रॉपर पानी नहीं पीते हैं, सनलाइट नहीं लेते हैं, अच्छे से सोते नहीं है रात में, रात रात भर सिर्फ नेटफ्लिक्स और सारी चीजें देखते रहते हैं। जब हम अपनी बॉडी का ख्याल ही नहीं रखते हैं ना, उसे प्रॉपर पानी देते हैं, खाना देते हैं, सनलाइट नहीं देते हैं प्रॉपरली, सोते नहीं है प्रॉपरली, हम लोग एक तरफ ये सारी गलत चीजें करते जा रहे हैं और फिर दूसरी तरफ हम लोग सिर्फ ब्लेम डालते हैं अपने दिमाग पे कि यार मेरा ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मेरा ब्रेन मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। तो ये चीज बहुत सही नहीं है, गलत है। आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, उसको प्रॉपर पानी दो, फूड दो, प्रॉपर अच्छा फूड दो जो उसको बॉडी को भी एनरिश करने में हेल्प करे और माइंड को भी। सनलाइट मिलना, एक्सरसाइज करना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। अगर हम ये सारी चीजों को करेंगे तभी आप और मैं और मेरा दोस्त
हर कोई इन सारी प्रॉब्लम्स अच्छे से डील कर सकता है। अगर आपको भी कुछ इश्यूज होते हैं, अगर आपको भी बहुत ज्यादा खराब फील होता है, अच्छा नहीं फील होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके जरूर बताओ, अपनी फीलिंग जरूर शेयर करो। बिकॉज है ना, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर आपके अंदर कुछ इमोशंस दबे हुए हैं तो जब आप उसको निकालते हो, और स्पेशली अगर आप कमेंट कर रहे हो पब्लिकली लोगों को बता रहे हो, तो कई बार आपका दिल ना हल्का होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये भी चीज़ करो, डरो मत। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये इश्यूज होने लग गए हैं, और स्पेसिफिक सेम रीजंस की वजह से हो गया जो मैंने वीडियो में शेयर करे। इसके जैसे कई लोगों के अंदर ये सारी चीज़ें होती है, तो जब आप देखोगे कि आपकी तरह और भी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तब अगेन आपको एक अच्छा फील होगा, आपको समझ में आएगा कि आप अकेले नहीं हो। तो इसलिए कमेंट करके अपने फीलिंग्स, अगर आपको लगता है खराब फील होता है, तो वो भी जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं हर संडे आपको ऐसी नॉलेज बुक की फ्री नॉलेज देते रहूं, ताकि आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और हर तरीके से अच्छे से ग्रो हो सको अपनी लाइफ में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं हर संडे आपके लिए बुक समरीज लाता रहूंगा। शेयर कर दो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस, एंजाइटी, लो फील करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उनकी ये वीडियो हेल्प करेगा। और अगर आपको ये वीडियो की बातें काम की लगी हो, तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।